फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? कैसा गया आप लोगों का होली? मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा तो यू ही चला गया। तो होली चला गया तो क्या हुआ? मन तब थोड़ा बहुत दुखी था, लेकिन आज खुश हो जाएगा। क्यों? आज खुश हो जाएगा क्योंकि आज मैं कुछ बनाने वाली हूँ, और वो है कॉफी। हाँ, कॉफी। गर्मी का मौसम में कॉफी, ये सुनकर तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं पागल हो गई हूँ। नहीं 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 पागल नहीं हो गई हूँ, मैं आज बनाऊंगी सीसीटी स्टाइल कोल्ड कॉफी, और ये इतना झटपट से बन जाएगा। बस चार इंग्रेडिएंट्स चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। चार इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही झटपट से बन जाएगा, और अगर एक बार मेरा ये रेसिपी आप लोग ट्राई करोगे ना, तो मैं बोल सकती हूँ कि वो बाजार से खरीदने का और जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग भी तब सोचोगे कि हाँ, घर में बना लेती हूँ यार, क्यों जाना है सीसीडी, जाना है उसके बाद ही तो पीना है, घर में बना लेती हूँ। गर्मी का मौसम में ऐसे ही बाहर जाने का मन तो कभी भी नहीं होते है। कई कई बार जाती हूँ, लेकिन मन नहीं होते कि नहीं बाहर जाना नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ये पसीना और पिंपल्स ये वो तो आ जाते हैं, मेरे जैसे एक आ गया है, बहुत दुखी हूँ इसके कारण। तो ठीक है, तो चलो बनाते हैं सीसीडी स्टाइल कोल्ड कॉफी यूनिक तरीके से, एकदम झटपट से बन जाएगा। लेट्स बिगिन। सीसीडी स्टाइल कोल्ड कॉफी बनाने के लिए मैंने लिया है इंस्टेंट कॉफी 1/2 चम्मच, चीनी 1 चम्मच, दूध, इसको मैंने बॉयल करके एकदम ठंडा कर लिया है, चिल्ड मिल्क है। इसके साथ ही साथ मैंने लिया है वैनिला आइसक्रीम, और मैंने लिया है चॉकलेट सिरप। तो चलो अभी बनाते हैं कोल्ड कॉफी। तो फर्स्ट में ये कॉफी के अंदर डाल दीजिए चीनी, और डाल दीजिए थोड़ा सा दूध। इसको बस ऐसे इसको एक पेस्ट बना लीजिए कॉफी का ऐसे। मैं थोड़ा सा डार्क कॉफी पसंद करती हूँ, इसलिए 1/2 चम्मच लिया है। अगर आप लोगों को उतना ज्यादा पसंद नहीं है तो 1 चम्मच भी ले सकते हो ऐसे। तो देख लीजिए, ये हमारा रेडी हो गया है। अभी बाकी के स्टेप में जाएंगे। मैंने ले लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर जार, और उसके अंदर अभी डाल दूंगी दूध। डाल दीजिए दूध के साथ ही साथ डाल दीजिए आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। और इसके साथ ही साथ हम डाल देंगे कॉफी के जो पेस्ट हमने बनाई थी, इसका थोड़ा सा रख देंगे बचा के, बाकी इसके अंदर डाल देंगे। और अभी इसको बस क्या 30 सेकंड के लिए एक बार चला लूंगी। देख लीजिए, ये हमारा बन गया है एकदम, पूरा के पूरा ब्लेंड नहीं किया है। देख लीजिए आइसक्रीम कैसा दिख रहा है ना, पूरा के पूरा ब्लेंड कर देने से बहुत ही पतला बन जाते हैं, वो सीसीटी जैसा स्टाइल नहीं आएगा। पूरा के पूरा ब्लेंड मत कीजिए। चलो अभी 5th स्टेप में जाते हैं। तो फाइनल स्टेप के लिए मैंने ले लिया है एक मग, और इसके ऊपर से ना ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे चॉकलेट सिरप डाल दीजिए। कोई भी डायरेक्शन नहीं है कि ऐसे ही डालना है, ऐसा नहीं है। बस ये तो बस सजावट के लिए, और थोड़ा सा चॉकलेट का स्वाद भी आएगा। अच्छा भी लगता है। देख लीजिए ऐसे बस कर लीजिए, कुछ भी नहीं, ऐसे बटल को लेकर ऐसे साइड से किनारे से लगा दीजिए, वो खुद ब खुद एक डिजाइन बन जाएगा ऐसे। देख लीजिए ऐसे कर दिया है सारे के सारे साइड में,
इस साइड थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है, तो इस साइड में भी और थोड़ा सा दे देंगे। ऐसे देख लीजिए कैसे हो रहा है, ऐसे हो गया। और अभी इसके अंदर डाल दूंगी वो बचे हुए कॉफी, ऐसे डाल दीजिए, बहुत ही गाढ़ा। ये लास्ट स्टेप में कॉफी ऐड करने का कारण यही है कि कॉफी थोड़ा सा डार्क बनेगा, और कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को डार्क कॉफी पसंद नहीं है तो मत ऐड कीजिए। और अभी मैं डाल दूंगी ब्लेंड किए हुए कॉफी, ऐसे देख लीजिए, ऐसे। ये मैंने डाल दिया है। और अभी लास्ट स्टेप, ये स्टेप बस सजावट के लिए मैं कर रही हूँ। अगर आप लोग ना चाहो तो ना स्किप भी कर सकते हो। ऊपर से ना ऐड कर दूंगी आइसक्रीम, ऐड कर दीजिए आइसक्रीम, से आइसक्रीम लेकर से देख लीजिए। और ऊपर से थोड़ा सा क्या डालना है, चॉकलेट सिरप, ऐसे डाल दिया। इसका भी कोई ऐसा नहीं है कि डालना ही है, बस डालने से अच्छा भी लगता है, खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैंने डाल दिया। तो बन गया मेरा कोल्ड कॉफी। चलो अभी साफ करते हैं। देख लीजिए बन गया मेरा कोल्ड कॉफी, एकदम रेडिएंट सर्व्ड। कितना अच्छा लग रहा है ना, कैसा लगा मेरा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे ना एक लाइक जरूर करना, और इस रेसिपी को ट्राई करके मेरे को बताना कि कैसा लगा। देख लीजिए, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।